वेलकम एवरीवन, आई एम जाई एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सीरीज ऑफ स्मार्ट टिफिन्स। स्मार्ट टिफिन्स है क्या? रेसिपीज तो हम सिंपल ही बनाएंगे, बट वी विल मेक देम विद अ ट्विस्ट। वी विल मेक देम हेल्दी, इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम वी विल पैक आर टिफिन स्मार्टली। तो आज का टिफिन ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता है रोटी सब्जी दाल चावल बनाने का, उन्हें कुछ क्विकली बना के टिफिन में पैक करके ले जाना है। तो आज हम ऐसी ही दो रेसिपीज बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक क्विक चिकन कोल्सलॉ सैंडविचेस एंड वी आर गोइंग टू मेक होममेड आलमंड बटर दैट वी विल सर्व विद पेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोल्सलॉ सैंडविचेस। चलिए एक बोल में ले लेते हैं बॉइल्ड चिकन जिसे हमने श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर जिसे हमने लंबा लंबा ग्रेट कर लिया है, शिमला मिर्च। इसमें से कोई भी सब्जी अगर आपके पास नहीं है तो आप ओमिट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू स्लाइस द वेजिटेबल्स, यू कैन पुट ऑल ऑफ देम इन अ फूड प्रोसेसर एंड प्रोसेस इट। चलिए इसमें डाल देते हैं नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट जो इजीली मार्केट में मिल जाती है, और फाइनली हम इसमें डालेंगे मेयोनीज। चलिए इसे मिला लेते हैं। ये जो मिक्सचर है ये भी आप पूरी तरह से रेडी करके फ्रिज में रख दीजिए, सिर्फ इसमें नमक मत डालिए। व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर द सैंडविचेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऐड सॉल्ट, अदरवाइज बाकी का मिक्सचर तो फ्रिज में रह ही जाएगा। चलिए सैंडविचेस बनाने के लिए हमने लिया हुआ एक वाइट ब्रेड का स्लाइस और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस। आप दोनों वाइट या दोनों ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जो हमने चिकन का कोल्सलॉ बनाया है इस पर रख देते हैं और इसे हम कवर कर लेंगे ब्राउन ब्रेड के स्लाइस से। चलिए अब सैंडविचेस के जो एजेस हैं वो काट लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। चलिए सैंडविचेस तो हमने बना लिए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पैक द सैंडविचेस सो दैट दे डोंट गो सॉगी। मेरे पास यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉइल है जिसे मैं काट लूंगी। आई विल टेक अ पीस ऑफ सैंडविच और इसे अच्छी तरह से रैप करेंगे। ऐसा करने से आपके सैंडविचेस बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन द क्लिंग रैप एंड ईट इंडिविजुअल पीसेस। चलिए हमारे सैंडविचेस तो रेडी हैं, अब काट लेते हैं पेयर। पेयर के सीड्स निकाल लेंगे। चलिए हमने पेयर तो कट कर लिया है, अब हमें इसे क्लिंग रैप में रैप करना है ताकि ये काला ना पड़े ऑक्सीडेशन की वजह से। हमने पेयर को अच्छी तरह से रैप किया है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन द रैप एंड एंजॉय एवरी पीस। चलिए हमारे सैंडविचेस तो हमने पैक कर लिए और पेयर भी काट लिया। इट्स टाइम टू मेक आलमंड बटर नाउ। इट्स वेरी वेरी इजी टू मेक। ये आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं एंड व्हेनेवर यू वांट टू पुट इट इन द टिफिन जस्ट पैक इट अप एंड टेक इट। इसके लिए जो बादाम है इन्हें हमने ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है। ये जार का हम ढक्कन बंद करेंगे और इसे पीस लेंगे। चलिए हमने आलमंड्स को तो ग्राइंड कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे शहद और इसे वापस घुमा लेंगे। चलो हमारी स्मार्ट टिफिन के रेसिपीज रेडी है। लाइक आई सेड इट्स अ क्विक मील सो लेट्स क्विकली पैक इट। जैसे कि मैंने कहा रेसिपी बनाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही टिफिन स्मार्टली पैक करना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे एक टिफिन है जिसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, सो वी आर गोइंग टू यूज दीज कपकेक लाइनर्स। चलिए कपकेक लाइनर्स में मैं डालूंगी बनाया हुआ आलमंड बटर। नाउ लेट्स अरेंज द सैंडविचेस एंड वी आर गोइंग टू गिव पेयर लाइक दिस ओनली। तो जैसे कि आपने देखा हमारे स्मार्ट टिफिन की स्मार्ट रेसिपीज बन के रेडी है। एज यू सॉ दीज रेसिपीज वर क्वाइट क्विक। अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाए सो नथिंग इज डिफिकल्ट एट ऑल। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू संजीव कपूर खजाना।